अपने टीवी में बोलकर जो भी सर्च करूंगा वो चीज चल जाएगी। तो चलिए एक सॉन्ग सर्च करते हैं बोल के, और रिमोट में बोलूंगा और यहाँ से वो चीज चल जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो यहाँ पे लिखा गया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाले जितने भी सॉन्ग्स हैं वो यहाँ से निकल आए हैं। जैसे कि आपको पता है ISPR का सॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं प्ले करूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद सॉन्ग जो है वो चल चुका है। एलईडी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कि एंड्रॉइड एलईडी है। इसका मॉडल है X7500F और ये सोनी ने बनाई है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये 4K एलईडी है, ये मॉडल 4K है। और इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात ये है कि नेटफ्लिक्स चलता है, और लेकिन नेटफ्लिक्स तो सारी एलईडीज में चलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए एक बटन जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है इसके ऊपर। और उसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, इसमें आप वॉइस सर्च के जरिए यानी कि अपनी आवाज के जरिए कोई भी कंटेंट जो है वो यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। ख्वाह कोई सॉन्ग हो, ख्वाह कोई मूवी हो, ख्वाह कोई भी चीज हो, आप यूट्यूब से बड़ी आसानी से, ये देखिए वॉइस सर्च का बटन बना हुआ है, आपने सिंपली इसको पुश करना है वॉइस सर्च के बटन को, और जो ही आप पुश करेंगे और बोलेंगे वो चीज जो है वो आपकी प्ले कर दी जाएगी यूट्यूब के अंदर। और इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स और मजीद भी हैं एंड्रॉयड का। इसमें लेटेस्ट जो भी टीवी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है एंड्रॉयड की जानिब से अपग्रेड किया जाता है, वो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाती है। इस टाइम इसमें एंड्रॉयड टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओरियो 8.0.0 वो इसमें रन कर रहा है। और इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कमाल की गजब की एलईडी है। और इसका जो साइज है वो 55 इंचेस है, यानी कि 55 इंच का ये पैनल है मेरे पास एलईडी का। और इसमें आपको वो तमाम फीचर्स मिलेंगे जो भी आप एक चाहते हैं एलईडी टीवी में हो। और इसके अलावा इसमें आपको यूट्यूब के साथ साथ नेटफ्लिक्स के साथ 4K और 4K के अलावा जो आपकी मोबाइल मिररिंग की सहूलत है, आपका मोबाइल भी मिरर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्रोम कास्ट भी आपको मिलेगा। क्रोम कास्ट का मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल में प्ले की गई कोई भी वीडियो जो है वो इसमें मिरर कर सकते हैं, और खासकर YouTube की जो वीडियो है वो उसी टाइम जो है कास्ट हो जाती है YouTube में। और इसके अलावा मैं आपको ये तमाम जो फीचर्स हैं वो चेक करवा दूँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो इनोवेशन मुझे लगी है इस LED TV की वो इसका रिमोट कंट्रोल है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का फुल फीचर रिमोट कंट्रोल, और बहुत ही यूज़ में आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन किया गया, जिसमें नेटफ्लिक्स को एक बटन जो है वो असाइन किया गया है, इसके अलावा गूगल प्ले को एक बटन असाइन किया गया है। और इसके अलावा जो है इसमें तमाम फीचर्स जो है बड़े हैंडी आपको मिलेंगे। और ये देखें सारे फुल फंक्शन फीचर्स के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल दिया जाता है। और इसके अलावा आप ये चेक करें कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल में इतना ज़्यादा आसान है कि बहुत ही हैंडी है। तमाम जो एप्लीकेशन हैं वो इस तरह आपके सामने जो है मूव करेंगे, आप ख्वाह नेटफ्लिक्स में चले जाएं बड़ी आसानी से, टीवी में चले जाएं, या आप एप्लीकेशंस में चले जाएं, और इसके अलावा प्राइम वीडियो कोई भी चीज़ जो है वो आप यूज़ करते हैं बड़ी आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ तरीके से चलती है। फॉर एग्जांपल ये मैं नेटफ्लिक्स का बटन प्रेस करता हूँ तो भी मैं नेटफ्लिक्स में आ चुका हूँ। ये देखें नेटफ्लिक्स जो है कितना ज़्यादा स्मूथली रन हो रही है इसमें। और इसके अलावा अगर आप चाहें नेटफ्लिक्स के अलावा इसमें यूट्यूब भी आप चला सकते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से, यूट्यूब जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलती है। तो आप ये चेक करेंगे नेटफ्लिक्स में किसी किस्म की भी कोई मसला मसाइल या बिल्कुल भी वो हैड शेड नहीं हो रही, और बहुत ही स्मूथली जो है वो आप इसके कंटेंट को जो है ब्राउज कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के कंटेंट को। ये देखें ये आपके साथ आपके सामने जो नेटफ्लिक्स को मैंने खोला हुआ है, कोई भी जो कंटेंट है वो इसमें आप नेटफ्लिक्स का चला सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी मौजूद है, आप इसको डेफिनेटली, एक छोटी सी चीज़ है आजकल, ये कोई बहुत बड़ी कोई गेम नहीं है कि आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर के राउटर के साथ, अपने घर के एक्सेस पॉइंट के साथ, या अपने घर के मॉडम के साथ, यानी कि इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी मौजूद है। यानी कि यह जो भी फीचर्स एक एलईडी में होने चाहिए वो तमाम के तमाम डाल दिए हैं सोनी ने इसमें। और इस ये लेटेस्ट मॉडल है एक्स सीरीज जो है, यानी कि एक्स सीरीज सोनी की लेटेस्ट सीरीज होती है जिसमें वो फुल लोड करके फीचर्स डालते हैं। और जैसा कि सैमसंग मोबाइल की जो एस सीरीज होती है वो प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज होती है, इसी तरह एलईडी टीवी के लिए इनकी एक गैलेक्सी फ्लैगशिप सीरीज है एक्स सीरीज। तो ये वजन की चीज़ है, 2018 के एंड में ये रिलीज की गई, लेकिन अभी भी 2019 के लिए भी यही मॉडल चल रहा है, अभी तक कोई इससे लेटेस्ट अभी तक मॉडल नहीं आया।
आप पाकिस्तान में इजीली जो है ये परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 1,40,000 के करीब इस टाइम मार्केट में मौजूद है 55 इंच साइज में। और अगर आप 65 यानी 65 इंच में लेते हैं तो ये आपको 2 लाख से अबव की मिलेगी, 2,10,000-15,000 के करीब। लेकिन ये वाला जो साइज है 55 इंच, ये भी इनफ है अगर आपका जो रूम है उसका साइज है, आपके कमरे का साइज जो है वो एक रेगुलर यानी कि नॉर्मल साइज का आपका कमरा है तो ये भी काफी बड़ा साइज है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े हॉल में लगाना चाहते हैं तो फिर आप 65 इंच में 65 इंच में जा सकते हैं। और इसके फीचर्स में अगर आप चेक करें तो होम के लिए स्पेशल एक बटन असाइन किया गया है। अगर आप होम को प्रेस करेंगे तो आप बड़ी आसानी से होम में पहुंच जाएंगे और होम में आप सारे जो भी मोटे मोटे बड़े बड़े मशहूर फीचर्स हैं जो ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा इसकी मशहूर एप्लीकेशन हैं जो आपके ज़्यादा यूज़ में आती हैं, तो यहाँ पर आपको तमाम एप्लीकेशन के जो शॉर्टकट्स हैं वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा अब आप चेक कर सकते हैं कि इसमें सेटिंग का भी एक बटन यहीं पर मौजूद है, आप यहां से भी सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि टिपिकल सेटिंग जो कि इसके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये टिपिकल एंड्रॉयड के लिए सेटिंग है। ये असल में एक एंड्रॉयड पैनल है, एंड्रॉयड एलईडी है। ये सारी की सारी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, ताकि मैं आपको इसलिए चेक करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एंड्रॉयड एलईडी की जो सेटिंग्स है वो कैसी आपको नज़र आएंगी। तो ये सारी एंड्रॉयड एलईडी की जो सेटिंग्स होती हैं, और ये इसका जो वर्जन है वो है 8.0.0, यानी कि ये एंड्रॉयड ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिलेगी। तो ये देखें, इसमें क्रोम कास्ट का फीचर भी मौजूद है, इसमें ब्लूटूथ भी है, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें वॉइस सर्च भी है जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसमें सारे वो फीचर्स जो आप चाहते हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके साथ चाहें तो वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक मज़े की चीज़ बता दूं कि इसमें 3 USB पोर्ट्स हैं, यानी कि एक 3.0 और जबकि 2 नॉर्मल पोर्ट्स हैं, यानी कि आप इसमें 3 USB एट अ टाइम लगा सकते हैं। ख्वाह आपकी USB ड्राइव हो या आपका USB वायरलेस कीबोर्ड माउस हो, कोई भी चीज़ जो है वो एट अ टाइम 3 चीज़ें आप प्लग कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा 3 USB पोर्ट्स के अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इसमें है वो ये है कि इसमें 4 HDMI आपको पोर्ट्स मिलेंगी। 2 साइड पे HDMI पोर्ट्स हैं जबकि 2 जो है इसके नीचे HDMI पोर्ट्स मौजूद है, यानी कि आप 4 HDMI एट अ टाइम जो है इसमें प्लग कर सकते हैं। कि आप इनपुट इसको HDMI केबल के जरिए देना चाहते हैं तो एट अ टाइम 4 HDMI जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल आपके लिए चॉइस बन जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो पिक्सल्स की क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर और क्लियर इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि सोनी जो है हमेशा से मशहूर है अपने दिलकश कलर्स की वजह से, यानी कि जो आपको पिक्चर क्वालिटी सोनी में मिलेगी आपको दुनिया के किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगी। हालांकि सैमसंग की रीसेल इससे ज़्यादा है, सैमसंग की सेल इससे ज़्यादा है, सैमसंग का नाम इससे बड़ा है, लेकिन सैमसंग से भी बेहतर जो है वो सोनी है। उसकी वजह ये है कि आप जब भी जाएँ मार्केट में चेक कर लें तो मार्केट में आपको सोनी का जो रेट है जिस तक सैमसंग से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और उसकी वजह यही है कि ये अपनी एक जगह बना चुकी है। आप जानते हैं ये वही सोनी है जो कि प्ले स्टेशन भी बना रही है, यानी कि सोनी को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सोनी जो है इस टाइम LED में जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, अगर क्वालिटी वाइज, पिक्चर की क्वालिटी वाइज अगर आप देखते हैं। हाँ, अगर आप साउंड की बात करते हैं तो सैमसंग अपने कई ऐसे मॉडल्स बना रहा है जो कि साउंड में जो है वो सोनी से बेहतर हैं कुछ, लेकिन सैमसंग जो है वो OLED में जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर चुका है। यानी OLED अगर आप पैनल लेते हैं, OLED की जो कलर सैचुरेशन होती है वो सोनी से भी ज़्यादा बेहतर, लेकिन OLED पैनल सैमसंग के बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन जो अगर आप OLED की बजाय नॉर्मल LEDs की बात करें तो फिर जो सोनी का जो नंबर है वो सैमसंग से थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। तो मैं खुद भी जो है बड़ी देर से सोनी ही यूज़ कर रहा हूँ, कई मैंने LEDs जो है सोनी की ही ली हैं। सैमसंग भी मैंने यूज़ की है, लेकिन मैंने खुद अब देखा है कंपैरेटिवली जो है वो सोनी सैमसंग से ज़्यादा अच्छी कलर सैचुरेशन जो है प्रोवाइड करता है। अब आप चेक करें कि कलर सैचुरेशन जो है वो कमाल की है, गजब की है। एक जो कलर्स का शौकपन होता है, एक जो कलर की वाइब्रेंट कलर जिसे कहते हैं वो आपको नज़र आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और आंखों को कूल लगने वाले कलर्स जो हैं आपको ये सोनी देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल से आपको फील होंगे। यानी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि इसके कलर्स में कुछ खास बात है जो कि आंखों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 4 HDMI मिलेंगी, तो ये देखें आपको ये मेन्यू में भी नज़र आ रही है कि 4 HDMI आपको मिलेंगी, HDMI 1, 2, 3 and 4। और इसके अलावा इसमें स्क्रीन मिरर की ऑप्शन भी मौजूद है, यानी आप किसी भी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को जो है मिरर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसमें आपको
तकरीबन वो तमाम फीचर्स मिलेंगे जो कि एक मॉडर्न यूजर को, एक दौरे जदीद के यूजर्स को चाहिए होते हैं। तो आप आंखें बंद करके, अगर आपके पास बजट है 1,40,000 के करीब, तो आंखें बंद करके X7500 परचेज कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है जनाब, मैंने पर्सनली इसको जाती तौर पे 6 माह यूज किया। मेरी आप बर्दाश्त, मेरी हिम्मत देखें कि 6 माह तक मैंने इसको रिव्यू नहीं किया। 6 माह तक मैंने अपने जाती इस्तेमाल में रखने के बाद आज आपको ये रिव्यू पेश कर रहा हूँ। मैं इसे 110% सेटिस्फाई हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप इसको ले आंखें बंद करके, सोनी है नाम एतमाद का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलईडी का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपने मेरे चैनल असदअली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल असदअली टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे मजे मजे की वीडियो देखने को मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।